दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मिले मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। बैठ बैठे क्या करें तो रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पीछे ग्राउंड वगैरह खाली पड़ा था तो मैंने बोला चलो आकर रिव्यू कर लेते हैं। वैसे भी इवनिंग का टाइम है तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मैं और भी गाड़ियों का रिव्यू करूंगा। तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरे पास क्या है वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो अभी तो अपन इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। अगर थोड़ी लाइट्स की प्रॉब्लम हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो बात करते चलो इस गाड़ी के बारे में। तो सीधी अपन बात करेंगे कार के फ्रंट लुक से। तो थोड़ी सी गाड़ी गंदी पड़ी है, थोड़ी नहीं आई मीन बहुत ज़्यादा गंदी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत टाइम से खड़ी थी। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी मतलब अच्छी है ये फिनिशिंग है। यहाँ पे ये क्रोम ट्रीटमेंट है और यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प्स है। फॉग लैम्प्स के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हेडलाइट्स हैं। ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, DRL सेटअप नहीं है इनके अंदर। यहाँ पे एक प्रोजेक्टर है और यहाँ पे एक हेलोजन बल्ब है, इंडिकेटर जिसके यहाँ दिए हुए हैं। पुरानी वाली अर्टिगा से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंटीरियर के अंदर भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर देख सकते हो इसकी जो ग्रिल है ये भी पूरी क्रोम फिनिश के साथ है। एक्चुअली ये टॉप वेरियंट है। तो इस कार के दोस्तों जो टायर्स हैं ये टायर्स आप देख सकते हैं एलॉय व्हील्स के साथ आपको ये जो कार है ये अवेलेबल है। एलॉय व्हील्स के अंदर आपको ये गाड़ी अवेलेबल मिल रही है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो ऑफकोर्स ये एलॉय व्हील के अंदर आनी थी। अब नीचे यहाँ पे अगर टायर साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 185/65 R15 टायर्स हैं ये। तो मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है। इधर साइड में आप देख सकते हैं डोर के उधर भी काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिशिंग है। यहाँ पे इनफैक्ट जो गेट ओपनिंग के लिए है यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, इधर क्रोम ट्रीटमेंट है। बाकी जो है वो कीलेस एंट्री है कार के अंदर। ORVMs के ऊपर भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर जो कि अच्छा है, टॉप वेरिएंट है तो आना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा पीछे की तरफ तो देखेंगे यहाँ पे जो इसकी जो लाइट है ये एल शेप के अंदर है और व्हाटएवर आपको जो पसंद लगे वैसा कह दो। और यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। की तरफ देख सकते हो तो यहाँ पे अर्टिगा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। इधर लिखा हुआ स्मार्ट हाइब्रिड है ये और जो नंबर है वो यहाँ पे सुजुकी का सिंबल है। बाकी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे पीछे एक स्पॉइलर भी आता है आफ्टर, मतलब आप लगवाना चाहे तो यहाँ पे स्पॉइलर लगवा सकते हैं जो कि लगा हुआ नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रियर वाइपर है इसका वॉशर यहाँ पे ऊपर फिट है। बाकी अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ चलें गाड़ी के तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर ऑफकोर्स कभी कोई चेंज नहीं हुआ है। गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है, मैं थोड़ा इसको पीछे की तरफ जाके दिखाता हूँ। सो एज़ यू कैन सी दोस्तों गाड़ी तो अपनी जानदार है, मतलब इस सेगमेंट के अंदर मेरे को सबसे अच्छी यही कार लगती है क्योंकि फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी गाड़ी है। स्पेसिंग के मामले में कम नहीं है गाड़ी, बजट फ्रेंडली है कार और 12 लाख 15 लाख के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। ये 7 लाख 7.5 से समथिंग शुरू होती है ये कार और 15 तक जाती है तो काफ़ी अच्छी है ये बात। अब हम चलते हैं दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अभी हम चलेंगे कार की बैक सीट की तरफ। तो आप इसका डोर देख सकते हो, यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी और जो डोर है माफ़ करना थोड़ी सी अगर आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर है जिसकी वजह से आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो डोर है वो पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बेज इंटीरियर है कार का। इधर नीचे दोस्तों आप यहाँ पे पानी की बोतल रख सकते हैं, 1 लीटर की आराम से फिट होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और साइड में स्पेसिंग है, यहाँ पे सामान पड़ा है तो इसको वापस रख देते हैं अंदर की तरफ। अंदर चलते हैं थोड़ा तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे की सीट के अंदर यहाँ पे आपको होल्डर्स मिल जाएंगे, मैगजीन होल्डर्स, वहाँ पे भी मैगजीन होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। और बीच की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे पता नहीं क्या रखना चाहे वो रख सकते हैं इधर नीचे की तरफ। और देख सकते हैं कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे ये जो सीट्स देख रहे हैं ये एडजस्टेबल सीट्स हैं और ये जो कार है ये पुरानी वाली अर्टिगा से ऑलमोस्ट लंबी है। तो ये जो पीछे की सीट्स है दोस्तों ये एडजस्टेबल है, तो मतलब अगर आप इधर बैठ के इसको रिक्लाइन करना चाहते हैं तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, या फिर आप इसको आगे करके पीछे वाली जगह को रिक्लाइन कर मतलब पीछे वाली सीट में ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो भी ऑप्शन है। बीच के अंदर यहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाएगी सेंटर आर्मरेस्ट, मतलब 3 जने यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ बैठने में। अगर ऊपर की तरफ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लोअर मिल जाएगा, इसी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी फैन स्पीड आपको चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कार कितनी बढ़िया है और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लाइट्स भी देखने को मिल जाएगी, बट मेरे हिसाब से लाइट वहाँ पे पीछे भी होनी चाहिए थी ताकि अगर थर्ड रो के अंदर कोई बंदा बैठा है तो उसको अच्छी लाइटिंग कंडीशन देखने को मिले। अगर हम थर्ड रो के अंदर चलते थर्ड रो की बात करते हैं तो यहाँ पर थर्ड रो के अंदर अगर मेरे साथ 6 फिट का बंदा है तो बैठ तो ज़रूर जाएगा लेकिन आपको हाँ ये जो सीट है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 कभी होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर।
जिसके अंदर आप 1 लीटर पानी की बोतल इस तरफ रख सकते हो और 1 लीटर पानी की बोतल वहाँ रख सकते हो। और ये जो सीट्स हैं आप इनको स्प्लिट कर सकते हो, नीचे कर सकते हो ताकि आपका बूट स्पेस बढ़ जाए। और ये तकिया, इसको तकिए को पीछे फेंकता हूँ मैं और सीट को वापस खड़ा करता हूँ तो ईजिली हो जाता है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आता इसके अंदर। उस तरफ से अगर दिखाऊँ तो सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब चलते हैं हम कार की फ्रंट रो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डोर है कार का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ है। नीचे 1 लीटर की पानी की बोतल की स्पेस देखने को मिल जाएगी, थोड़ी सी स्पेस और साइड में देखने को मिलती है यहाँ पे वुडन फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, विंडोज़ लॉक अनलॉक, कार लॉक अनलॉक के लिए और ORVMs के कंट्रोल देख सकते हैं। डोर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखता है, वुडन फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी ऊपर। कार के अंदर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, हाइब्रिड ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, नीचे आपको अपने वॉइस कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बेज इंटीरियर प्लस वुडन फिनिशिंग है यहाँ पे और ऊपर थोड़ी सी ब्लैक टोन दे रखी है। कार की सीट की बात करते हैं तो इस कार की जो सीट है दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट नहीं है। देख सकते हैं कार की जो सीट है आप इसको हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ी सी अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता कार के लिए। और अगर हम देखते हैं थोड़ा और अच्छे से कार का जो व्यू है डैशबोर्ड का लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अगर थोड़ा पास में ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन फिनिशिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एसी वेंट्स के नीचे। इधर नीचे देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे शायद अपने आप कार के कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। बाकी कार का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब हम चलते हैं सीधा कार के अंदर। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं अर्टिगा का इंटीरियर मेरे को नई वाले का ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग है ये दोस्तों फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है तो आपको काफ़ी स्पोर्टी फील आएगा इसके अंदर। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं स्पीच कंट्रोल्स हैं। इधर देख सकते हैं ये पेट्रोल कार है तो इसका जो RPM है वो 8000 तक गया हुआ है। इधर देख सकते हैं कि इसका जो किलोमीटर है वो 220 ही बताता है, बट मैं बताऊंगा कि ये 220 नहीं जाती, ये 160 तक चली जाती है आराम से अगर लोडेड है तो। इससे ज़्यादा आई विल नॉट से कि चलाने भी चाहिए इस गाड़ी को। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फ्यूल गेज है ये यहाँ पे मेरे को जो रेंज दिखा रहा है ये सिर्फ 82 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। और यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है वो मतलब हाफ के आसपास है, मतलब कुछ लोचा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर गॉज है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि MID के अंदर आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं तो हम अभी यहाँ से देख लेते हैं। देख सकते हैं मतलब ड्राइव टाइम कितनी गाड़ी चालू हुई, कब से गाड़ी मतलब निकाली गई है, कितना किलोमीटर है, टोटल आइडल स्टॉप टाइम 4 मिनट इतना ही है। देख सकते हैं यहाँ पे वॉच वगैरह, टॉर्क वगैरह, ये रियल टाइम टॉर्क है ये, मतलब ये देखो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पावर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है दोस्तों, ये सिर्फ 10,147 किलोमीटर चली हुई है, 10,147 किलोमीटर ओनली चली है ये गाड़ी। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो आई विल प्ले अ सॉन्ग फॉर यू। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी, आप देख सकते हैं ये जो आपको देखने को मिलेगा इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये दोस्तों एप्पल कार प्ले के साथ आता है और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाएगी। करते हैं इसको बंद, यहाँ पे डमी स्विच है कुछ लगाना चाहो तो। AC जो इसका दोस्तों वो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भरी हुई पड़ी हैं, इसको मैं एक बार के लिए साइड में कर देता हूँ। टोल रिसिप्ट हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टिश्यू पेपर्स के लिए है, इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको USB होल्डर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ पे अपनी ऑक्स वगैरह फिट कर सकते हो। नीचे यहाँ पे जो आपको ये जो देख सकते हैं ये कूलिंग फंक्शन के साथ आता है तो आप इसको ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हो। हाल फिलहाल कार का AC ऑफ है तो ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अगर साइड ग्लव बॉक्स की बात करते हैं कार के तो दोस्तों जो ग्लव बॉक्स है आई विल से कि थोड़ा सा बड़ा और हो सकता था और इसके अंदर कूलिंग फंक्शन भी दिया जा सकता था। बाकी आई विल नॉट से कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो लीजिए, गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इस कार की जो मतलब रीसेल वैल्यू है अर्टिगा की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसके राइवल्स के कंपेयर में। महिंद्रा की चाहे कोई महिंद्रा की कार हो गई या चाहे टोयोटा की हो, उनके कंपेयर में इस कार की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी आती है क्योंकि सुजुकी ने अपने पैर पसार रखे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो अब देखें भाई गाड़ी, एक बार फिर से मैं आपको इस कार का इंटीरियर शो कर देता हूँ अच्छे से, बढ़िया इंटीरियर है। इनफैक्ट अगर हम बात करें बीच में देख सकते हैं तो यहाँ पे मतलब गियर के बाद यहाँ पे नीचे हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस है अगर कुछ रखना चाहो तो। बाकी यहाँ पे रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग नहीं है यहाँ पे मेरे हिसाब से, नहीं है वायरलेस चार्जिंग,
यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेड पार्किंग वगैरह है, इसको एक बार वापस मैं रख देता हूँ। इसको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सेंटर आर्मरेस्ट है, ये एडजस्टेबल है। हाँ दोस्तों एडजस्टेबल है, अंदर आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ पे कुछ रखना चाहेंगे। करते हैं इसको बंद और आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो जाती है आगे पीछे के लिए। अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन और अगर होता तो मज़ा ही आ जाती। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आप अपने नॉर्मल जो लाइट्स वगैरह हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑरेंज लाइट्स यहाँ पे जल रही हैं। आप इनको चेंज नहीं कर सकते, अगर करने का होता तो मैं शायद इनको ब्लू रखता या वाइट रखता। बाकी यहाँ से आप अपने वाइपर्स वगैरह, रियर वाइपर के लिए है तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए पीछे का रियर वाइपर चल रहा है, तो ये रियर वाइपर के स्प्रे के लिए, वो देख सकते हैं पीछे का रियर वाइपर स्प्रे कर रहा है। इसको करते हैं ऑफ। और इसके जो फ्रंट वाइपर्स हैं, फ्रंट वाइपर्स भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओह सॉरी सेट, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी गाड़ी क्योंकि ये नीचे खड़ी थी, तो अभी मैं इसको एक बार वॉशर करके दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइड है, कांच को काफ़ी अच्छे से साफ करते हैं वाइपर्स। एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे से वाइपर्स ने साफ कर दिया है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कार के अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है कार के अंदर, मीन्स आपको सिर्फ अपना आइडिया लगाना है। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, इनफैक्ट अभी जो दिन का जो टाइम है वो मतलब आप ये मान लो कि बहुत ज़्यादा इवनिंग हो रखी है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वालिटी कितनी बढ़िया है। आप देखो बाहर कितना अंधेरा है और ये कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो आई एम इम्प्रेस विद द रिवर्स कैमरा ऑफ दिस कार। करते करते थोड़ी सी लेट हो गया और यहाँ पे अंधेरा हो गया है, तो कोई बात नहीं। मेरे को एक्चुअली गाड़ी लेट मिली है तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। अगर बूट की बात करता हूँ तो दोस्तों ये जो है ये 209 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो पैड है इसके नीचे आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ अपनी छुपा के ले जा सकते हैं, सीक्रेट चीज़ रख ले के लिए जाना चाहें तो, और पता भी नहीं चलेगा। और अगर इसको आप क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाएगी, और अगर आप उसको हटा लेते तो आपको थोड़ी और ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगी। और अगर आप सीट नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इधर से यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, और इस वाली को भी इधर से क्लिक करके ऐसे नीचे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है। लेकिन अगर बूट स्पेस को अगर आप लगता है कि आपके पास बूट स्पेस इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है, तो आपको ये स्ट्रैप पुल करना है और ये सीट वापस पीछे आके अपनी उसकी पोजीशन पे लग जाएगी। कुछ को रखते हैं वहाँ पे और ये जो देख सकते हैं सीट वापस आके लग गई अपनी पोजीशन पे, तो देखो कितना बढ़िया है। इंजन की बात करते हैं तो ये 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन है, देख सकते हैं इंजन बे काफ़ी ज़्यादा खाली है, मेरा पैर आपको दिख रहा होगा। ये दोस्तों 103 bhp प्रोड्यूस करता है, ये दोस्तों हाइब्रिड मॉडल है तो इसका जो माइलेज है वो 26 का है, और यहाँ देख सकते हैं आपको ऊपर इंसुलेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों कार, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा नीतू भैया को जिन्होंने मुझे ये कार प्रोवाइड करवाई है। एंड आई होप सो कि अगर आप दोस्तों लॉकडाउन के अंदर भी कार्स का रिव्यू चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब, पसीने में हो रखा हूँ। करते हैं इस कार को ऑन, भाई एसी को ऑन करता हूँ, सॉरी कार तो ऑन ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।